श्री हंसराज अहिर, धन्यवाद सभापति महोदय। अभी जो श्री निशिकांत जी दुबे, इन्होंने जो प्राइवेट में बिल पेश किया है जिसमें देश में पेंशन भोगियों, जिसमें असंगठित और निजी क्षेत्र में काम करने वाले सभी के लिए कुछ पेंशन योजना कुछ होनी चाहिए, और इसलिए जो एक अच्छा बिल पेश किया है उसका मैं समर्थन में खड़ा हूं। महोदय, देश में बहुत बड़ी संख्या में मजदूर जो काम करते हैं निजी क्षेत्रों में और असंगठित रूप में, कुछ सरकारी कंपनियों में भी काम करते हैं, इन्हें पेंशन बहुत कम मिलती है। जैसे अभी यहाँ पर कोल माइंस में काम करने वाले कामगारों का उल्लेख हुआ है, बीड़ी मजदूरों का भी उल्लेख हुआ है, सेल में भी काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, इन सभी की पीएफ कटने के बावजूद भी ये पेंशन के इनको लाभ नहीं मिलता है। ऐसे कई ऐसे हमारे पास में शिकायतें आती है कि जिसकी वजह से ये सभी असंगठित कामगार जो हैं ये पेंशन नहीं पा रहे हैं। मैं कोल माइंस के बारे में आपसे कहूंगा कि देश में जब कोल इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसके पहले एक क्षेत्र जो है निजी क्षेत्र में काम था, और 73 के बाद में इस क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर हैं इन्हें बहुत कम पेंशन मिलती है। आज मेरे क्षेत्र में ऐसे कई मजदूर हैं जो उनको 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया पेंशन मिलती है, क्यों तो राष्ट्रीयकरण के बाद में उनका कार्यकाल बहुत कम रहा है और इस वजह से उन्हें पेंशन बहुत कम मिलती है। और जब से CMPS स्कीम जो बनी है 98 कोल माइंस पेंशन स्कीम, ये 98 में बनी थी, उसके बाद जो वहाँ जो श्रमिक थे जो उन्हें इसका लाभ, उनका कालावधि कम होने से कम पीरियड में इनका फंड पीएफ कटने की वजह से इन्हें कम मिलता है। यही बात जो ईपीएफ जो कटता है, ईपीएफ में भी यही बात देखने में आ रही है, जो सेल में काम करने वाले जो मजदूर थे उनके साथ में भी कहीं 300 रुपया, कहीं 400 रुपया उन्हें पेंशन हाथ में आती है। और ये स्थायी रूप के जो कामगार है उनके बारे में मैं बात कह रहा था, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है और जितने भी वहां पे काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं या कंपनियां हैं, ये अपने हाथ में काम करने वाले कामगारों की पीएफ तो काटते हैं लेकिन उनका अकाउंट नंबर उन्हें नहीं देते, और 3 साल 4 साल का जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो ये असंगठित रूप में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर लेबर, इन्हें पेंशन क्या है पता ही नहीं है। तो इसमें एक बहुत बड़ा देश में एक भ्रष्टाचार जिसे मैं कहूंगा, या इस कामगारों का इसमें शोषण होते जा रहा है। यहां पर जो निजी बिल आया है इसमें इस पर विचार होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है इनका पीएफ कटने के बाद भी और प्राइवेट फंड कमीशन के पास करीब करीब 11,000 करोड़ रुपया ऐसा है कि जिसका कोई मालिक नहीं है। मेरी जानकारी से CMPF में 11,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर लेबर जो काम करके और काम बंद होने के बाद में उन्हें पेंशन से वंचित हैं, उस पर भी इस बिल के माध्यम से मैं आपके सामने कहना चाहूँगा, इस बिल की बहुत ज़रूरत है। एक तो सरकार आज जो अति महत्वपूर्ण विषय को लेकर यहाँ पर जो बिल पेश किया गया है इस पर सरकार स्वयं विचार करे कि इतनी बड़ी संख्या में, मैं कोल माइंस के कॉन्ट्रैक्टर लेबर की संख्या आज बताऊंगा आपको तो 3 लाख से अधिक है, ये काम करेंगे, इनका पीएफ कटेगा लेकिन इन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। सेल में भी ऐसे हजारों जो मजदूर है स्टील अथॉरिटी में, ये सरकारी कंपनियों में भी बात कर रहा हूं, तो और तो निजी क्षेत्रों में तो कितने होंगे। इस वजह से 1 करोड़ों की संख्या में देश में ऐसे असंगठित स्वरूप में काम करने वाले जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, इन्हें पेंशन लागू होने के लिए ऐसे कुछ सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। सौभाग्य से अभी के जो सरकार ने जो बिल ये पेश किया संकल्प, इसमें सरकार ने 1,000 कम से कम पेंशन देने की बात कही है, लेकिन इसमें जो ईपीएफ 95 है
उसके ही उल्लेख आ रहा है। तो मैं इसमें ये कहूंगा आपको कि ये 1000 से बढ़कर इसे 5000 कम से कम किया जाना चाहिए, और ईपीएफ ही नहीं सीएमपीएफ से भी इसे जोड़ना चाहिए। और जितने भी देश में ऐसे कॉन्ट्रैक्टर लेबर है जो काम करते हैं उनका पीएफ कटता है, इनकी संख्या क्या है, इनकी गिनती होनी चाहिए, इनकी संख्या आनी चाहिए सामने, और इसको सभी को कवर किया जाना चाहिए। और कुल मिलाकर देश में जो मेहनत करने वाला वर्ग है, जिसके बारे में चिंता प्रकट की है कि 60 वर्ष के बाद में उन्हें उनके जीने के साधन समाप्त हो जाते हैं, उन्हें पेंशन अगर मिल जाती है तो शायद वो अपना इस बुढ़ापे में अच्छा जी सकेंगे। ऐसी इस माध्यम से मैं सरकार से विनती करता हूँ कि बहुत महत्व देते हुए इस बिल को आप विचार करें, और ये हमारे विचार सुने ही नहीं आप। जो बिल लाने वाले निशिकांत जी को मैं कहूँगा कि आपने बहुत गहराई में जाके सोचा ये, और सरकार मंत्री जी भी इस पर विचार करें और इसे तुरंत लागू करने के लिए एक अपना सरकारी बिल ले आए। धन्यवाद।